प्रोटेस्ट हुई बाकायदा कथुआ कोर्ट में कि ये गलत है चार्जशीट, प्लीज डोंट फाइल इट, डोगरा हिंदू एक काम कर ही नहीं सकते क्योंकि देवी उपासक है। और हिंदुओं की कोई किताब कहती भी नहीं है कि उसकी लड़की उठा लो तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा। दस जनवरी 2018 को जम्मू के कठुआ जिले से एक छोटी लड़की गायब हो जाती है। लड़की का शव मिलने से एक हफ्ते पहले ही देश में मीडिया और यूजुअल सस्पेक्ट्स के थ्रू एक नैरेटिव चलाया जाने लगा कि उस लड़की को आरएसएस माइंडसेट वालों ने किडनैप किया है और उस लड़की का मंदिर में बलात्कार किया गया है। इस कैंपेन को लीड करने वाला पीडीपी हुरियत का नेता था और इस पूरे घटनाक्रम में पटवारी सांझी राम को मास्टरमाइंड घोषित कर दिया गया। जब यह मामला मीडिया में आया तो उस समय गजब का एंटी हिंदू पीआर कैंपेन चला था। मुझे याद है त्रिशूल और शिवलिंग पर कंडोम लगा के ग्राफिक्स पोस्टर्स धड़ल्ले से शेयर किए गए थे सोशल मीडिया पे। कुछ तस्वीरें विदेश में किसी एयरपोर्ट से भी आई थी, किसी ने हैशटैग जस्टिस फॉर आसिफा लिखी टी शर्ट पहन रखी थी। मतलब पूरे मामले में सबसे ज्यादा एम्फेसिस अगर किसी चीज पे था तो वो इस पे था कि मंदिर में सामूहिक बलात्कार किया गया है उस मुस्लिम लड़की का। कठुआ के हिंदुओं की मीडिया लिंचिंग्स की जाने लगी। फिर जब लगा कि टीआरपी नहीं आ रही तो मीडिया ने इसको दिखाना बंद कर दिया। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारी जो गेस्ट हैं उन्होंने इस केस की खुद इन्वेस्टिगेशन की, ग्राउंड जीरो पे गई, लोगों से मिली, उनके इंटरव्यूज लिए, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो इस केस से संबंधित थे उसकी जांच पड़ताल की, फाइनेंशियली किसको क्या गेन हुआ इस पूरे केस में, उस सबकी छानबीन करने के बाद उन्होंने 641 पन्नों की ये भारी भरकम किताब लिखी। आज की हमारी गेस्ट हैं मधु पूर्णिमा किश्वर जी। लेफ्टिस्ट राइटिस्ट के खेमे में बैठी इस दुनिया में आप खुद को फैक्टेरियन कहती हैं। आप नेहरू मेमोरियल के सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी स्टडीज में सीनियर फेलो हैं। 1991 से 2016 तक आप CSDS सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में प्रोफेसर रही हैं। उससे पहले आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया है। साथ ही आप मानुषीय जर्नल अबाउट वुमेन एंड सोसाइटी की फाउंडर और एडिटर भी हैं। ये जर्नल आपने 1979 में शुरू किया था। 1996 में आपने मानुषी संगठन बनाया जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों के लिए गवर्नमेंट रिफॉर्म्स को लेकर काम करता है। साथ ही अभी आप मानुषी इंडिया नाम के यूट्यूब चैनल पे मानुषी संवाद होस्ट करती हैं। स्वागत है मैम आपका हमारे इस पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद इस किताब को बारीकी से पढ़ने के लिए। बहुत कम एंकर्स ऐसा करते हैं तो आई एम रियली हैप्पी। तो मैं पहला सवाल तो मैं बड़ा ऑब्वियस सा पूछूंगा, आपने जो किताब का नाम रखा द गर्ल फ्रॉम कठुआ एक सैक्रिफाइशियल विक्टिम ऑफ गजवाए हिंद, आपने ये नाम क्या सोच के रखा और इस नाम का क्या मतलब ऐसा मतलब लगाया जाए? देखिए गर्ल फ्रॉम कठुआ तो इसलिए हमें कहना पड़ा, नाम नहीं दे सकते क्योंकि कानून कहता है किसी रेप विक्टिम का, चाहे वो जिंदा हो चाहे मृत, आप ना नाम दे सकते हैं ना आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं ना उसकी फोटो कोई छाप सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो कवर पे फोटो भी है उसकी असली फोटो नहीं है, इट्स एन आर्टिस्टिक आर्टवर्क है। और ये इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि मैंने इस बात से बहुत मुझे हैरत भी हुई, गुस्सा भी आया कि कैसे इस देश के मीडिया सेलेब्रिटीज ने दिल्ली में बैठ के एक तो सारा नैरेटिव चलाया, उनमें से कोई कथुआ नहीं गया, कोई जम्मू तक नहीं गया, एक फ़ोन उठा के भी बात नहीं की, जो लोग बार बार चिल्ला रहे थे कि ये फेक नैरेटिव चला है और CBI प्रूफ हो, जिसने भी CBI प्रूफ की मांग की उसको प्रो रेपिस्ट, प्रो मर्डरर, प्रो फासिस्ट करार दिया गया। और खुद देखिए किस अहंकार से और कॉन्फिडेंस से लड़की का नाम, लड़की की फोटो छाप रहे हर ट्वीट में जानबूझ के। और ये जानबूझ के मैं इसलिए कह रही हूँ, जैसे बरखा दत्त उसने ट्वीट जितने लिखे हैं उसमें नाम भी है फोटो भी है, परंतु जब वो आर्टिकल लिखती है वॉशिंगटन पोस्ट में या हिंदुस्तान टाइम्स में तब नाम नहीं लेती, तब वो डिस्क्रिप्शन से ही सारी बात कहलवाती है अपने कलम से। तो इसका मतलब उसको मालूम था कि ये इलीगल है। या इंदिरा जयसिंह, इतनी बड़ी नामी वकील है, उसको नहीं मालूम था निधि राजदान, आरती टिक्कू, राजदीप सरदेसाई, जितने भी ये बड़े बड़े साध्विका घोष, दी एंटायर जिंग बैंग लॉट जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं और हर वक्त एंटी हिंदू नैरेटिव में माहिर हो चुके हैं, दे आर प्रोफेशनल्स एक्चुअली,
पेड हायरलिंग्स, तो हमने तो कम से कम कानून का उल्लंघन नहीं करना था, तो इसलिए द गर्ल फ्रॉम कथुआ कहा। दूसरा, अ सैक्रिफिशियल विक्टिम ऑफ गजवाई हिंद, ये जो नैरेटिव फेक चलाया गया कि हिंदुओं ने एक मुसलमान लड़की को इस तरह अगवा करके, उसको बलात्कार करके फिर उसका कत्ल किया, तो इतना झूठा था कि अगर कोई चार्जशीट पड़े तो माथा फोड़ ले कि इस देश की पुलिस जिसमें आईजी, डीआईजी, मतलब इतने इतने आईपीएस वाले लेवल के अफसर होते हैं, इतनी घटिया चार्जशीट जो कोई डी ग्रेड भी टीवी सीरियल जो होती है ना क्राइम वाली, वो भी स्क्रिप्ट ऐसा घटिया स्वीकार ही ना करे कोई, तो कहे कि अपना दिमाग जाके चेक कराओ, ये कोई बेतुका सा है, इतनी घटिया चार्जशीट है, और उसके बावजूद इसको लेजिटिमेसी दी जाती है ग्लोबल। और असली बात यह है, जब मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की वो थी एंड ऑफ अप्रैल में, अप्रैल 10 को रिवाइज चार्जशीट पेश की जाती है। पहली जो चार्जशीट रिलीज की थी, वो पहला जो विक्टिम था जिसको टारगेट किया गया, एक टीनेजर, उसके अरेस्ट के बाद कहा गया था कि हमने केस क्रैक कर लिया, इसी ने लड़की को अगवा किया, इसी ने उसको 6 दिन कैप्टिव रखा, 7वें दिन इसका कत्ल कर दिया। तो एक से सडनली एक एक करके ऐड करते जाते हैं 8 लोगों के नाम, और 232 विटनेसेस को अरेस्ट कर लेते हैं आनन फानन में। तो जब मैं वहाँ गई तो ये स्पष्ट दिख गया कि जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उस गांव की और कथुआ डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डरिंग विद पाकिस्तान, और रसाना जो गांव है बीचों बीच एक फॉरेस्ट के हैं, और खड्ड उसके से जाती है जो नाले होते हैं बरसाती किस्म से, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाके बहुत बड़े और नाले का खड्ड का रूप ले लेते हैं, जहाँ से बहुत स्मगलिंग होती है और टेररिस्ट भी आते हैं उस रूट से, और खड्डों के रूप से ही ये फैलते हैं, केवल जम्मू में ही नहीं कश्मीर तक सीधे जाने का रास्ता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि ये जो गांव है, केवल हैमलेट कहेंगे गांव भी नहीं, क्योंकि 15-16 घर कुल रहते हैं यहाँ पे, छोटा सा है, इसको ही केवल खाली नहीं करवाना था, कथुआ डिस्ट्रिक्ट में इतना टेरर फैलाना था कि सभी परिवार अपने कम से कम नौजवान बच्चों को बाहर भेज दें और धीरे धीरे माइग्रेशन शुरू हो जाए, और वहाँ पे ये बांग्लादेशी बसा दें, रोहिंग्या बसा दें, और बाहर बाहर से ला के, यूपी बिहार से भी ला के ये मुसलमान बसाते रहे हैं, और डेमोग्राफी जम्मू प्रोविंस की बहुत पहले से ही बदलती रही है, धीरे धीरे हिंदू सोते रहे, रजौरी बदल गई, पुंछ बदल गया, डोडा बदल गया, रामबन बदल गया, मतलब आप सोचिए रामबन नाम कैसा है, वहाँ भी मुस्लिम मेजॉरिटी होने लगे, तो आपको जाहिर है कि ये बड़े आर्टिफिशियल तरीके से हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है, और बाहर से भी मुस्लिम बसाए जा रहे हैं। तो ये कथुआ क्योंकि वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू प्रोविंस का, और बॉर्डर इसकी बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, एक तो बॉर्डर का है, मैंने जहाँ से बोला यहाँ से बहुत आते हैं, ये खट के ज़रिए फिर फैलते हैं, कश्मीर तक भी पहुँचते हैं, और ये जो जम्मू के जो ऊपरी प्रोविंसेस हैं वहाँ तक भी। इस हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट को मुस्लिम मेजॉरिटी बनाना है, और यहाँ जो रिजिस्ट कर रहे थे इस बात को कि अपनी ज़मीन मत बेचो, इस तरह मत सेटल होने दो, उनमें सांझी राम जी भी थे, और ये उनके खिलाफ चार्ज भी किया गया है कि वो नहीं चाहते थे कि हिंदुओं की ज़मीन घर बेच के जाएंगे, घर बेच के या ज़मीन खेत खलिहान भी बेचें, अब ये तो कोई पाप नहीं, पर ये उनके खिलाफ आरोप लगाया गया जैसे कि इस वजह से वो रेपिस्ट भी बन जाएंगे, वो लड़की का कत्ल भी कर देंगे। वेयर इज द फैक्ट इज कि ये मासूम लोग इतनी मार खा चुके हैं जम्मू के हिंदू और सारे इन प्रोविंसेस के कि इनके लिए उठना भी मुश्किल होता, और जैसे आपने देख ही लिया इतना बड़ा आंदोलन हुआ जब ये फेक टारगेटिंग हुआ। आप देखिए हिंदू समाज कभी, चाहे हमारे बेचारे शंकराचार्य जी पे भी आरोप लग जाए ना,
रेप का या ऐसा कोई, तो हिंदू समाज सत्ते में आ जाता है एंड इट कीप्स क्वाइट, बोलता भी नहीं है. झूठे आरोप हो तब भी बोलता नहीं है. खापों पे झूठे आरोप लगे, हिंदू समाज चुप, खापों वाले भी चुप हो गए. इसी किस्म से कितने हमारे आसाराम बापू पे, हिंदू समाज को आदत ही नहीं है क्रिमिनल्स को डिफेंड करने की. दूसरी ओर आप देखते हैं अभी रिसेंट अतीक अहमद के बेटे का, अतीक है बताइए, जो मजा हुआ टेररिस्ट, क्रिमिनल तो छोटी कैटेगरी होती है, टेररिस्ट है, माफिया डॉन है, मल्टीपल मर्डर्स किए हैं, इतनी बेरहमी वाले, और आतंक जो उसका एक तो होता है टेररिस्ट वाला आतंक कि कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया, दूसरा है उसके आसपास कोई इंसान फटक नहीं सकता, इतना टेरर है कि मुंह अगर जबान खोली तो ये हमारा पूरा परिवार नष्ट कर सकता है. ऐसे टेररिस्ट के खिलाफ हमारी सारी पार्टियां खड़ी हो गई हैं, सेक्युलर तथा कथित. तो आप सोचिए इसका, और अब तो सरकार भी बता रही है, तो पाकिस्तान ISI के साथ मिलके कर रहा था, इसके लिंक्स थे, वहां से वेपन्स आते थे, तो इसका क्या मतलब, हमारी बहुत सी पार्टियां पाकिस्तान के इशारे पे नाचती हैं. और इसीलिए इस फेक नैरेटिव को चलाने में सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मदद किया, सारे मीडिया ने मदद किया. इसका मतलब ये भी सारे सीधा हुक्म लेते हैं, कहाँ का, ISI का. तो इस देश का पॉलिटिकल एजेंडा स्पष्ट लगता है. यही केस नहीं, कर्नल पुरोहित वाला भी केस देख लीजिए, साध्वी प्रज्ञा वाला देख लीजिए, ऐसे दर्जनों केस हैं जो मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किए, उनसे स्पष्ट होता है कि हमारा सारा सिस्टम, हमारी अदालतें, हमारी पुलिस, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बाहर के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रही है. और ये गजवा हिंदी मिशन है कि हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को मुस्लिम मेजॉरिटी बनाना है. और आतंक इसीलिए, ये सिर्फ 8 लोगों को टारगेट नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ कि आसपास के कितने गांव में, आनंद फानन में आप 232 नौजवान लड़कों को अरेस्ट कर देते हैं और रेड करते हैं, फिर सेक्शन 144 लगा देते हैं कि आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, जो प्रोटेस्ट करता है उसको भी अंदर कर देते हैं. ये महबूबा मुफ्ती का आतंक था. ये इस आतंक को किसी ने नहीं मीडिया में दर्शाया. हालांकि कितने गांव के लोग, रसाना के समेत सारे लोग अपने घर बार छोड़ के नेशनल हाईवे पे कूटा चौक नाम की जगह है जहाँ एक मंदिर है, उसके बगल में एक स्कूल भी है और एक बरगद का पेड़ है, सारा दिन वो बरगद के पेड़ के नीचे प्रोटेस्ट करते हैं. 4 महीने लगभग ये प्रोटेस्ट चला था. प्रोटेस्ट तो 6 महीने चला होगा, पर 3 महीने कम से कम लोग घर नहीं गए अपने. आप सोचिए सर्दी कड़ा, मीडिया में कहीं नहीं दिखाया गया, कहीं नहीं दिखाया, पूरा वाइट वॉश नहीं. और अगर दिखाया भी गया तो ये कहा गया they are in defense of rapist. तो इसलिए मैं दावे के साथ कह रही हूँ, बिल्कुल शब्दों में जरा भी नरमी नहीं ला रही, मैं कह रही हूँ इस लड़की को इसी की कम्युनिटी ने कत्ल करवाया है. ये हमारे किसी हिंदू भाई का दूर दराज से इसका रिश्ता था नहीं और हो भी नहीं सकता, वो तो उसको जानते भी नहीं थे. देखिए आप ऐसी लड़की को कैसे टारगेट करेंगे जिसका ना आता पता आपको मालूम था, ना कभी आपने उसको देखा था, ना कभी वो आपके गांव में आई थी, वो गांव के बाहर रहते हैं. और वो कई इंटरव्यूज में उसके पिता ने, उसके भाई ने तथा कथित, ये भी फेक है, बाप भी फेक है, माँ का भी चला, माँ का भी हाँ, कभी कोई बाप ले आते हैं, कभी कोई ले आते हैं. पुलिस ने तहकीकात नहीं की कि किसकी असल में बेटी है. अब सवाल यह है कि फेक पेरेंट्स, फेक नैरेटिव, और करोड़ों रुपए बना लिया उस बच्ची की लाश को इनकैश कर बेच के, ये असली केस है. और सच में जो जो इन्होंने आतंक मचाया महबूबा ने, और सारा पॉलिटिकल इकोसिस्टम उसके कब्जे में, सारी मीडिया उसके कब्जे में, तो जाहिर है कि बाहर से इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, टूल किट आ रही थी, उसके हिसाब से उसके हिसाब से सारे के सारे एक्ट कर रहे. और मिशन गजवा हिंद के बारे में जानना हर हिंदू के लिए अत्यंत आवश्यक है. एक लाइन में कह दूं तो मिशन गजवा हिंद ये है
कि हमने पाकिस्तान बना के हिंदुस्तान के टुकड़े तो कर लिए 1947 में, पर जो बाकी यहाँ पे रह गए, जो वही मुसलमान जो पाकिस्तान की मांग करते थे, यूपी और बिहार के मुसलमान, वो यहाँ पे ही रहे, वहाँ नहीं गए। ये समझ के साथ, ये तो खुली समझ थी उनकी, मौलाना आज़ाद की भी ये खुली समझ थी और देवबंद की भी ये खुला ऐलान था कि जिन्ना साहब आप तो एक हिस्सा लेके खुश होके बैठ गए, अलग हो गए, हमें तो सारा हिंदुस्तान इस्लामीकरण करना है। तो वो है मिशन गज़वा हिंद, और उनका मानना है कि जब तक पूरा हिंदुस्तान इस्लामीकरण, पूरे हिंदुस्तान का जब तक इस्लामीकरण नहीं होता, तब तक कयामत का दिन भी नहीं आएगा। और कयामत के दिन के लिए तो सब वेट कर रहे हैं, बूढ़ों के पास जाना। आपने, मैम, अपनी किताब जो लिखी है उसके शुरुआती पन्नों में जो एक्नॉलेजमेंट वाला सेक्शन होता है उसमें मैं पढ़ रहा था, आपने बहुत लोगों को एक्नॉलेज किया है, उसमें आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्नॉलेजमेंट दिया है अर्नब गोस्वामी को, कि एक उनका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपने ये किताब लिखी। क्या था ये मामला? अर्नब एक नहीं, दो पुस्तक के पीछे अर्नब का हाथ है। अच्छा, ये ठीक है। एक और भी मेरा मैनुस्क्रिप्ट तैयार है, वो किसी कारण से रोशनी एक्ट वाला है, दूसरा ना 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 दूसरा ना, खापों के खिलाफ, खापों के ऑनर किलिंग को लेके 2010 में ऐसा ही फेक नैरेटिव वो क्रिश्चियन मिशनरीज ने चलाया था, एनजीओ क्रिश्चियन मिशनरी प्रॉप्ड एनजीओ है शक्ति वाहिनी नाम का, और उसने एकाएक ये खापों के खिलाफ चला दिया कि ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग। देखिए उसके बाद आपने देखा ऑनर किलिंग कहीं हो ही नहीं रहे, एकाएक 2010 में आए दिन आनंद फानंद में केसेस आ रहे हैं, और ये लेके वो पिटिशन इतना झूठा एविडेंस इकट्ठा करके, जो मैंने उन्हीं का पिटिशन था, उसी में से जब एग्जामिन किया उनका एविडेंस, इतना बोगस एविडेंस, तो 3 साल तक बिना खापों को इंक्लूड किए एज अ पार्टी सुप्रीम कोर्ट में केस चला कि खापों को बैन कर देना चाहिए, और खाप वाले इसमें पार्टी नहीं थे कहीं ना। फिर मैं उनके बिहाफ पे गई कि आप ये अंधेर कैसे कर सकते हैं कि उनको पार्टी नहीं बनाया। फिर उनको बुलाया, कहा अच्छा ठीक है 10-10 पेज में आपने जो बात कहनी कह दो, यानी शक्ति वाहिनी को आप 3 साल से पूरा फ्री हैंड दे रखा, और यही सारे ये दुष्ट आत्माएं इंदिरा जयसिंह और सारे फॉरेन फंडेड एनजीओस शक्ति वाहिनी के साथ भी जुड़े थे, क्योंकि वहाँ पे भी हरियाणा में प्लांटिंग चर्चेस का पूरा सिलसिला शुरू करना था, तो खाप जैसी संस्था, सामाजिक संस्था, उसको विलीफाई करना जरूरी था, तबाह करना, उसको बैन करवाना, कम से कम बैन करवाना मैंने रोका मेरे इंटरवेंशन से, पर विलीफाई तो कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, और अब मेरी किताब वो भी नैरेटिव सीधा, तो उसके लिए भी थैंक यू अर्नब गोस्वामी को ही बनता जी। अच्छा, इसलिए क्योंकि और नब ने अपने शो पे 2010 में मुझे बुलाया और कहा कि ये खापों के बारे में, ऑनर किलिंग के बारे में बोलना है, तो मैंने कहा डोंट एक्सपेक्ट मी, मैंने पहले ही कह दिया उसको, तब वो रिपब्लिक में नहीं टाइम्स ना था, तो मैंने कहा डोंट एक्सपेक्ट मी टू स्टार्ट बैशिंग दम, क्योंकि तुम उनकी बात तो सुन नहीं रहे हो, मुझे भी नहीं पता असली बात क्या है। तो मैंने जैसे शो में कहा कि मुझे ये नैरेटिव थोड़ा गड़बड़ लगता, और क्योंकि एक तरफी बात हो रही है, और मैं नहीं मानती हूँ कि हमारी कोई भी सामाजिक संस्था पंचायत के नाम से इस तरह मर्डर्स को जस्टिफाई कर सकती है, क्योंकि उनकी एक उनके कल्चर संस्कार होते हैं पंचायतों के, उसमें ये तालिबानी डिक्टेट्स चलते नहीं हैं। मर्डर हुए होंगे, फैमिली ने किए हैं, परंतु आप क्या है सामाजिक संस्थाओं को, पूरे जाट समाज को बदनाम कर रहे हो। तो उसने इतना मेरे ऊपर चिल्लाया, तो फिर मैं उसके शो से उठ के पहले तुरंत मैंने तय किया और मैंने खापों की मीटिंग CSDS में ही बुलाई। अच्छा। हमारे कुछ वहाँ के हरियाणा के मित्र थे जाट में, तो मैंने कहा कि मैं खाप लीडर से मिलना चाहती हूँ, और आप मानोगे सब रोए मेरे मीटिंग में कि हमारे कोई सुनता ही नहीं, और जो कह रहे हैं और जो हो रहा है उसमें बहुत अंतर है। तो फिर मैंने पूरा अध्ययन किया, और वो पिटिशन में इतने, जैसे इस चार्जशीट में इतने झूठ हैं कि आप एक मिनट में पकड़ लें कि बकवासबाजी है, उसी किस्म से उसमें भी बहुत झूठ है, फरेब है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऐसे सुन रहे हैं जैसे
इतना कोई बहुत बड़ा ज्ञान उनके सामने पेश किया जा रहा है और उसको भी बैन करने को तैयार थे। तो अर्णव की वजह से वो मैंने सारा अध्ययन किया, खापों को समझा, उनका इतिहास समझा, थोड़ा बहुत ही मैं जानती थी तब तक, महीम चौबीसी वगैरह वगैरह तो ज़्यादा नहीं मालूम था, पर मैंने फिर इतिहास भी समझा और प्रैक्टिकल भी समझा, खापों के साथ संवाद भी हुए और बहुत कुछ किया। तो वो उसका नतीजा है वो किताब, वो भी बहुत जल्दी, 6 साल से वो किताब 7 साल से वेट कर रही है। अच्छा। बस स्वास्थ्य भी और समस्याएं, ये आ गई किताब तो सब कुछ छूट गया पीछे। तो एक तो वो किताब, ये ऐसा ही इन्होंने इस पे भी किया, मैंने अर्णव को फिर इस टाइम पे अपना रिपब्लिक खोल चुके थे। हाँ, खोल चुके थे। और मैंने अर्णव को आग्रह किया कि सुन लो, ये फेक नैरेटिव लग रहा है, चिल्ला पड़े, यू डिफेंडिंग रेपिस्ट, ये वो कुछ। आपको मालूम है जब उनको भी नशा आता है समाज सुधारक बनने का, वो रिपोर्टर नहीं रहते फिर, वो मीडिया पर्सन नहीं रहते, वो तो समाज सुधारक। और समाज सुधारक अक्सर सेल्फ अपॉइंटेड और बहुत एरोगेंट होते हैं, क्योंकि स्वयं ही आप सोच लेती हो कि मेरी मर्जी के अनुसार समाज को चलना चाहिए, मोरल सुपीरियरिटी आपके अंदर आ जाती है, आई जाती है जैसे। तो मैं हमेशा कहती हूँ सेल्फ अपॉइंटेड समाज सुधारकों को आए दिन रियलिटी चेक हमें करवाना ही पड़ेगा। तो अर्णव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दो किताबें आईपीआर बनता है अर्णव का या कुछ भी जी। अच्छा मैम, इसी में जैसे आप लिखते हैं कि जैसे ये कठुआ वाला जो केस है, ये कोई पहला केस नहीं है जब इस्लामिस्ट्स ने एक पूरा प्रोपोगेंडा चलाया हो हिंदुओं को विलिफाई करने के लिए, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में लाने के लिए। आपने पहले, मेरी जहां तक जानकारी में है कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का केस भी आपने किया था, इवन नंबी नारायण, नंबी नारायण का भी एक मैंने बहुत पुराना इंटरव्यू आपका उनके साथ का देखा था जी। उसी के बाद एक नया प्रक्रिया चली और मैंने प्रधानमंत्री को बहुत आग्रह किया, उनसे मिलने का भी आग्रह किया, वो प्रधानमंत्री फिर केरला गए, उनसे मिले और फिर एक नई प्रक्रिया चल पड़ी। जब वो सारे तथ्य मैंने रखे पब्लिक में भी, और वैसे एक तरफी बात होती है ना हमारे, बहुतों को पता था, बहुत लोगों ने उस वक्त भी कहा था ये फेक लगता है, पर वो जम के, हाँ ठीक है, बहुत कुछ एक मीडिया ने कहा था ये अन्याय हो रहा है, परंतु जो ब्रेकअप इंडिया फोर्सेस हैं उनकी ताकत के सामने असली नैरेटिव चलता नहीं। और दूसरा फिर ना आपको जम के लड़ाई लड़नी पड़ती है, जैसे मैंने भी ट्वीट किया, एक दो आर्टिकल लिख सकती थी, उससे बात नहीं बनती। मैंने इतना डेफिनेटिव एविडेंस पेश किया है कि आ जाए कोई भी, मतलब मैं जब किताब पढ़ रहा था तो मतलब पॉइंट वाइज पॉइंट रिबटल देना होता, उसके साथ साथ आपने 4 चीज एक्स्ट्रा भी उसमें रखी है कि देखो ये भी तुम्हारे दिमाग में सवाल आ सकता है, उसका आंसर ये है। जी जी जी, तो जी हाँ, पूरी वकालत की है, कोई भी पहलू मैंने छूटे नहीं, छूटे नहीं, कोई शक शुबा किसी तरफ से, ये मैं चैलेंज करके कहती हूँ कि मैदान में आके पब्लिक हियरिंग मैं करवाती हूँ और आप ले आइए जजेस को, पब्लिक हियरिंग कोर्ट की अंदर वाली नहीं, नहीं वो तो आएंगे नहीं ना वो, हाँ आइए और जवाब दीजिए कि आपका क्या रोल था और फैक्ट्स क्या हैं। तो जैसे मैम ये वाला केस जो आपने देखा और जैसे जो आपने पहले के केसेस में इन्वेस्टिगेशन की है जिसमें हिंदुओं को विलिफाई किया गया, तो क्या बहुत कुछ अंतर था या सबका ही एक मोडस ऑपरेंडी लगभग सेम ही रहा सारे केसेस का जो आपने देखा हो, या कोई केस आपको याद आ रहा हो कि इसमें कुछ और भी अलग था? नहीं देखिए, सांबा स्पाई केस से शुरू हुआ ना, कितना पुराना है, क्या था थोड़ा बताइए। जैसे ये सांबा सेक्टर में पाकिस्तान का ही ये सारा, और देखिए मिलिट्री इंटेलिजेंस में इसका मतलब इनके अच्छे खासे गुर्गे स्पाई, हाँ मतलब स्पाइस बैठे हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस, जैसे उसमें भी आप जानते हैं कदर पुरोहित के केस में भी, ही वाज अ मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर और ही वाज ऑन अ मिशन टू क्रैक सिमी टेरर नेटवर्क्स, मिशन थी सिमी टेरर नेटवर्क्स को क्रैक करना, एंड ही वाज सक्सीडिंग वेरी वेल, उन्होंने अपने लोग प्लांट कर रखे थे जो काम है, डीप घुस गए थे, डीप घुस गए थे, बिल्कुल डीप घुस गए थे। तो उस व्यक्ति को उन्होंने कैसे फेक नैरेटिव में कि ये हिंदू टेरर ये फैला रहा था,
आप बताइए, मिलिट्री इंटेलिजेंस इसका मतलब जो ऑफिसर्स ने उनको फंसाया, कॉम्प्रोमाइज्ड है, कॉम्प्रोमाइज तो बहुत छोटा शब्द है, देशद्रोही सबवर्सिव एलिमेंट्स हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस में घुसे हैं, पाकिस्तान का काम कर रहे हैं, वो आज तक उनको सजा नहीं हुई और इनको ईमानदारी से न्याय आज भी नहीं मिला। कर्नल रोहित को नहीं मिला बिल्कुल, नहीं सांबा स्पाई वाले का। अब सांबा स्पाई का जो सबसे पहला था, देखिए ये बहुत ही अहम है क्योंकि ये कितना पुराना है, देखिए 1978 54 ऑफिसर शायद टारगेट किए गए आर्मी के ऑल लेवल्स कि ये मतलब लिटरली वो सारा यूनिट, यहाँ भी सारा जो वहाँ का मिलिट्री इंटेलिजेंस का सारा नेटवर्क था जो इन्होंने इन्फॉर्मर्स पाल रखे थे, वो करती है मिलिट्री इंटेलिजेंस, कोई भी करेगी, वो सब क्रैक हो गया और जो ऑफिसर अच्छा काम कर रहे थे उन पे ये चार्ज लगाया ये पाकिस्तानी एजेंट है, और ये कि पाकिस्तान गए थे मेजर और कैप्टन और कई किस्म के कैप्टन राठौर और अजवानी जी, ऐसे बहुत कर्मठ ऑफिसर जो आज भी टूटे नहीं हैं, हालांकि उनको न्याय नहीं मिला, मैंने उन पे भी 2-3 प्रोग्राम किए, और जो अगर आप वो कहानी पढ़ें रोंगटे खड़े करने वाली, क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का जितना टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर हुआ, मत आप रोंगटे खड़े होने वाली, आप बताइए केवल आप झूठे केस में नहीं फंसाते, उनको इतनी बुरी तरह से थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री फिफ्थ डिग्री टॉर्चर करते हैं कि जिंदगी भर वो खड़े ना हो सके, उनमें से फिर भी कुछ लोग खड़े होके न्याय मांगते रहे, आज भी मांग रहे हैं, ये कितना पुराना है आप सोचिए 78 का, और आज भी न्याय मिला, और पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ गई कि फिर सीएम मोदी को और अमित शाह जब वो होम मिनिस्टर थे, वो भी झूठा नैरेटिव है बिल्कुल पूरी तरह से कि मोदी जी ने दंगे करवाए, वो तो फासिस्ट, इशरत जानवाला भी मेरे ख्याल से, इशरत जानवाला होम मिनिस्टर के लिए, आप बताइए होम मिनिस्टर को देश निकाला कर दिया आप अपने स्टेट में नहीं जा सकते, और मरवाया किसको, सुराबुद्दीन को, एनकाउंटर किलिंग कहते हैं, अब वो फेक थी या जेन्युइन थी इज नॉट द इशू, the issue is he was on a terrorist mission, उसका टारगेट था चीफ मिनिस्टर, और ये टीम जा रही थी पूरे चार लोगों की, और इशरत जहान was not some innocent college girl, ये इनकी मॉल थी, मतलब जो लड़कियां साथ में लेके चलते, कौन बीए की लड़की को 3 माफिया डॉन्स के साथ भेज देता है माँ बाप, अनलेस वो लिप्त है परिवार, और ऐसा किया गया, इतना फेक नैरेटिव चलाया कि हाय बिचारी इशरत जहान, बिहार की बेटी बोल दिया था उसे, जहां की भी नर्क की बेटी, खैर और सारा देश चल पड़ा था इनको कंडेम करने, तो एक के बाद एक इनकी हिम्मत बढ़ी जाती है, आप सोचो एक कर्नल आर्मी ऑफिसर से शुरू किया, फिर एक कर्नल पुरोहित साध्वी प्रज्ञा, फिर शंकराचार्य जी को लिप्त किया क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्योंकि धर्मांतरण के विरोध में है, हर बार हिम्मत, फिर चीफ मिनिस्टर को टारगेट करते हैं गुजरात के, अभी तक कर रहे हैं, अभी तक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी जी, और खत्म नहीं हो रही है कहानी, क्योंकि हमारा सिस्टम, अब मोदी जी खुद भोगी हैं झूठे नैरेटिव के, उन्होंने जिस कर्मठता से दंगे रुकवाए, इससे पहले ना इसके बाद किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया ऐसा, और वही उनके खिलाफ चला गया कि उन्होंने दंगे नहीं होने दिए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लिए और क्रिश्चियंस के लिए भी ये दंगों का फेक नैरेटिव बहुत जरूरी है विक्टिमहुड क्लेम करने के लिए, खुद करेंगे दंगे फिर खुद विक्टिम बन जाएंगे, जैसे इसमें भी खुद इस लड़की को, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ, इसकी कम्युनिटी, इसके तथाकथित परिवार के माध्यम से और महबूबा मुफ्ती जी के मिली भगत के बगैर ये नहीं हुआ मर्डर, फिर विक्टिम खुद बन गए, हिंदू पूरे समाज को इतना बदनाम किया, रेप एंड रिचुअल्स, शुजात बुखारी के अखबार का हेडिंग था रेप एंड रिचुअल्स इन कथुआ, शुजात बुखारी ने ये नैरेटिव सबसे पहले चलाया,
और देखिए ईश्वर की मार उन्हीं आतंकवादी फोर्सेस की गोली से वो 72 घरों तक पहुंच गए क्योंकि इतना झूठ बोला। तो इस लड़की का जो इन्होंने मर्डर किया है वो लड़की की रूह तो इनको माफ नहीं करेगी, उसको तो पता है ना उसको किसने टॉर्चर किया, उस लड़की ने तो देखा है। और अगर सही में रूह होती है कोई या आत्मा होती है तो तड़प रही होगी कि मेरे साथ तुमने इतना अन्याय किया और उसके कर्सेस, उसकी बददुआएं जरूर लगेंगी इन सबको और बहुतों को लग भी चुकी है, लगनी चाहिए भी जी। आपने मैम बुक में ही अपनी शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी एक अपील की है, वो अपील क्या है और क्यों की है आपने, अगर थोड़ा डिटेल में आप बताना चाहें। बिल्कुल बताना चाहूंगी, मेरी अपील ये है कि अगर मेरे जैसा कोई आम नागरिक किसी रेप विक्टिम का नाम या फोटो छापे, एक बार नहीं बार 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 बार, तो मुझे 2 या 3 साल की जेल हो सकती है, सजा होती है अंडर दी एंटी रेप लॉ और पॉक्सो के तहत। और ये जो सारे दिग्गज जर्नलिस्ट हैं, पूरी ब्रिगेड जो मैं जो ल्यूमिनरीज हैं सो कॉल्ड जर्नलिज्म के, हाँ बरखा दत्त ये तो है ही है ना, ये तो यूजुअल सस्पेक्ट्स में आ गए, सस्पेक्ट्स अग्रिका निधि राजदान आरती टिक्कू रवीश कुमार राहुल पंडिता ये सबसे सब। अब ये छाती पीट रहे हैं, किताब को रिव्यू नहीं करेंगे, फैक्ट्स को नहीं करेंगे, गाली गलौज कर रहे हैं मेरे खिलाफ। इन्होंने क्यों और कैसे इस लड़की का नाम, इसकी फोटो इतनी ऑडेसिटी से डाली, ऑडेसिटी। अगर आज आप अलग अलग हेड्स के अंदर कहें गर्ल फ्रॉम कथुआ या इस लड़की का नाम लेके ए ऑफ कथुआ करेंगे या ऐसे 3-4, कम से कम आपको 50 लाख गूगल सर्च रिजल्ट आएंगे अलग अलग भाषाओं में और शायद इंग्लिश में ही इतने आ जाए, वीडियो भी लेके, फोटो भी लेके, रोना धोना भी लेके, न्यूज रिपोर्ट्स भी लेके, सभी में ये कैसे हो सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट भी, एक चैप्टर मेरा है कि बीबीसी की रिपोर्ट, उनको पता है ना इंग्लैंड में वो अलाउड है और ना भारत का कानून अलाउ करता है। और ये कश्मीर वैली का ये जर्नलिस्ट है जिसने नाम भी दिया और इतनी बड़ी फोटो उसकी शुरू में ही आती है बीबीसी का, ये जब आप रिपोर्ट पढ़ते तो इसका मतलब जानबूझ के ये किया गया। तो मेरा ये आग्रह है सुप्रीम कोर्ट से और मैं अगर प्रयास मेरा यही है कि जल्दी ही मैं सुप्रीम कोर्ट के आगे अपनी याचिका लेकर जाऊं कि बताइए माननीय न्यायाधीशों ये आपने कैसे अलाउ किया। और उसके बाद कहीं 10 महीने बाद जाके सुप्रीम कोर्ट कहता ये नहीं कर सकते, सजा होगी, कुछ 1-2-3 मीडिया हाउसेस को थोड़ा थोड़ा फाइन भी किया, परंतु आज तक ये फोटोज हैं, आज तक ये ट्वीट्स हैं। बरखा दत्त को 3 साल की सजा क्यों नहीं हुई, मल्टीपल हैं, तो ये कैसे अलाउ किया इस पे सुप्रीम कोर्ट ने, कोई सुओ मोटो भी नहीं लिया, नहीं लिया। और ऐसा तो है नहीं कि ब्लेटेंट वायलेशन सुप्रीम कोर्ट की नजर में नहीं आया हो ना जी, ये पिछले 5 सालों में देखे तो वन ऑफ द मोस्ट चर्चित केसेस में था। हाँ, इतना चर्चित तो कोई हिंदुस्तान का ही नहीं, विदेश का भी अगर आप देखें गूगल सर्च करके, इतना चर्चित केस नहीं रहा। और चर्चित इसलिए हो पाया, देखिए मैंने ये भी एक चैप्टर में लिखा है कि हर साल दिल्ली शहर में ही 6,000 बच्चे गायब होते हैं, जैसे ये गायब हुए, कईयों की ऐसे ही डेड बॉडी मिलती है, कई कभी मिलते ही नहीं है, इक्के दुक्के को कभी कभी पुलिस रिकवर कर लाती है। ये 6,000 का नाम पता किसी को नहीं होता, पुलिस लुकआउट नोटिस में जरूर कहती है कि ये लड़की है गायब है, पर कभी बरखा का दिल नहीं पसीजा, निधि का नहीं पसीजा, आरती का नहीं पसीजा, इन 6,000 बच्चों के लिए कि ऐसा कैसे हमारे शहर में हमारे नाक के नीचे ये इतना अन्याय हो रहा है,
बच्चों के साथ, मैं तो कम से कम 2-3 लेख लिख चुकी हूँ उसके ऊपर। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देखती हूँ, और कुछ एक केसेस में तो मैंने कुछ परिवारों की मदद भी करनी चाहिए थी जिनके बच्चे गायब हुए थे। तो एक बच्चा वो मिला भी था, एक कारपेंटर का बच्चा था, और उसकी भी बहुत स्पाइन चिलिंग कहानी। अब दिल्ली में इनको चिंता नहीं होती, परंतु 530 किलोमीटर है दिल्ली से कथुआ। कथुआ का इनको किसी को स्पेलिंग भी नहीं मालूम था, ये कभी गए नहीं थे। तो एकाएक कथुआ डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव रसाना, उसकी बच्ची से इनको क्या इतना मोह आ गया, इनका दिल पसीजा, खून की नदियां दिल से बह रही हैं, है ना, और आंसू तो डूब जाए हिंदुस्तान सारा, इतने आंसू बहलवा लिए इन्होंने। तो क्यों ये हुआ? और दूसरा, ये फोटो क्यों डाला ये? और ये भी मेरे किताब में मैंने एस्टैब्लिश किया। देखो, इस परिवार को ट्रैक करना आसान नहीं था। जब मैं गई ना एंड ऑफ अप्रैल मई में पहली बार, जब 2018 अप्रैल में, हाँ, जब पहली बार गई, तो ये अपने वो रसाना गांव के पास जो इनका डेरा है वहां नहीं थे। ये ऊपर चल जाते हैं ना अपनी भेड़ों को लेके, घोड़ों को लेके। तो इनको ट्रैक करने मैं चल पड़ी। मैंने सुना पत्नी टॉप के ऊपर कहीं, तो पत्नी टॉप भी काफी हाइट पे है हिल स्टेशन, उसके ऊपर कोई 13 किलोमीटर जाके पूछ पूछ के पता चला कि ये कहाँ है। तो फिर पहाड़ी चढ़ी, क्योंकि जहाँ पे ये थे इनका डेरा। किस्मत मेरी अच्छी कि यूसुफ मुझे मिला, पर उस वक्त अकेला था। माँ मिली, वो अलग बैठी थी खाना बना रही थी। भाई मिला, वो अलग था, मतलब ये इकट्ठे होते तो बातें इतनी आसानी से निकलती थी। और एक इनका अंकल जो भाई के साथ आ गया इंटरव्यू में, तो वो जो बेटा मिला वो कांप रहा था, यू कुड सी, और आंख से आंख मिला के ना यूसुफ बात कर रहा है ना उसकी तथाकथित माँ कर रही है, मतलब फेक फैमिली, यू कुड सी दे वर वेरी नर्वस, और आंख से आंख मिला के नहीं जवाब दे रहे किसी चीज का। उससे भी पता चल जाता है इस के फेक भाई ने 6 फुट लंबा चौड़ा, बहुत हृष्ट-पुष्ट सुंदर नौजवान लड़का, मुझे बोलता है, मैंने बोला कि किसने फोटो लिया, बड़ी प्रोफेशनल लगती है। कहता मैंने अपने कैमरा से लिया। तो मैंने कहा जरा दिखाओ। उसने मेरे को कैमरा में दिखाई, 2 फोटो थी, यानी कोई बहुत बढ़िया कैमरा उसको दिया गया फोटो, क्योंकि इसमें आपने लिखा है कि इस लड़की की केवल 2 ही फोटो, केवल 2 ही फोटो जो उसके गायब होने से 2 दिन पहले खींची। 8, उसने खुद कहा 8 जनवरी को खींची फोटो, उससे पहले ना, पहले ना कभी बाद में उस परिवार ने कभी अपनी फोटो, हालांकि वो जो भाई है सिद्धांत, वो अपनी फोटो खूब खींचता है और फेसबुक पे ऐसे पोज कर रहा है, वैसे पोज कर रहा है, वो करता है। ये गायब है तब भी वो अपनी नई नई फोटो, कभी पुलिस यूनिफॉर्म में, कभी मतलब कोई गमगीन भाई नहीं रहता। गायब है और वो फोटो अपलोड कर, फोटो अपलोड कर रहा है फैशन स्टाइल में, कभी सलमान खान के जैसे बन के वगैरह। तो मैंने उससे पूछा कि ये दूसरी फोटो मुझे दे दो, एक तो ये, तो वो थी फोटो जिसमें एक मिट्टी के चूल्हे खाना बना रही में, नहीं खाना नहीं, इतने मोटे मोटे थपले बना रही है। अगर कहते, एक तो 8 साल की नहीं थी, कम से कम 12 साल की थी, ये मैंने एस्टैब्लिश किया है डिटेल में, उनका बर्थ सर्टिफिकेट, उनका राशन, ये वो, कितनी तरह के झूठ बोले उन्होंने, गिनती करना भी मुश्किल है। तो देखो, लड़की की वो फोटो दिखाते ना तो साफ दिखता कि बच्ची से ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं जो 8 साल की बच्ची के लायक नहीं है। तो घोड़े चराने गई थी, अच्छा जवान बेटे जिस घर में हो उसमें 8 साल की लड़की घोड़े चराने अकेले जाएगी? और मैंने पूछा तो वो मुझे फोटो दे दो दूसरी वाली, तो कहा नहीं, कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ अच्छी खासी थी उसने मुझे नहीं दी, पर वो मेरी आंख की देखी हुई है फोटो। गलती मेरी हो गई, मैंने उस वक्त कर लेनी थी क्लिक, उसने कहा नहीं मैं भेजता हूँ, फोन वापस ले लिया और मैं वो नहीं कर पाई, पर आई नो दैट आई सॉ। फिर मैंने पूछा कि इससे पहले की भी कोई फोटो है? कहता नहीं। उसकी माँ से पूछा कि आपके पास कोई और फोटो है उसके बचपन की? बोले नहीं नहीं हमारे यहाँ हराम होता है फोटो खींचना। अच्छा। हाँ हाँ, माँ ने कहा इंटरव्यू में, हमारे यहाँ हराम होता है। तो हराम है
किंतु ये 8 जनवरी को फोटो खींची जाती है क्योंकि इसको ग्लोबली फेमस करना है। मासूम सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, उस चेहरे को देख के आइकॉनिक। अगर आप सोचें, अगर वो फेसलेस होती, नेमलेस होती, इतना असर होना था इस कैंपेन का, नहीं हो सकता। इसको ग्लोबली आइकॉनिक बनाने का काम, इसका मतलब वेल प्लान्ड मर्डर था, है ना? उसी के लिए सब किया, उसी के लिए सब किया गया। इसीलिए आपने सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, कि ये जो किया गया है, इन्होंने जानबूझ के नेम किया गया है। जब ये आर्टिकल लिख रहे थे हिंदुस्तान टाइम्स में, ये जर्नलिस्ट या किसी प्रिंट मैगजीन जो नेशनल पेपर है, वहाँ ये नाम नहीं ले रहे, यानी इनको मालूम है कानून क्या है। इंदिरा जयसिंह कैसे कह सकती है मुझे नहीं मालूम कानून क्या है, जो बहुत बड़ी लॉयर है, सुनने में आता है। ये ऐसे ही दुष्ट काम करती है ना, तो दुष्ट काम करते करते फिर देखिए आप कानून का भी उल्लंघन करते हैं, क्योंकि दे थिंक दे आर अबव लॉ। रात को 2 बजे ये टेररिस्ट के लिए कानून कोर्ट के जजेस को बकौती है, इनकी कानून बकौती है, बकौती और सेटिंग होती है इनके मैच फिक्सिंग केसेस सारे जो भी ये लेके जाती हैं वो सब फिक्स्ड मैचेस। वरना अभी हम एक रिसेंटली थोड़ा इससे डाइग्रेस होगा, एक मनीष कश्यप का केस देख रहे हैं, लड़के का जो भी कुछ हुआ उस पहने से वगैरह सब लग गई, तो देखें तो ये भी इन जितने भी इसमें इन्वॉल्व थे इन सब पे भी लगनी चाहिए थी उस हिसाब से देखें तो। सिक्योरिटी के लिए भी खतरा ही था जब आप ऐसी इमेज देश की बना रहे हो, और सुप्रीम कोर्ट कोई सुओ मोटो नहीं लेता है, जो हर चीज में ले लेता है सुओ मोटो हिंदुओं की, कि दही हांडी की ऊंचाई कितनी होगी, त्योहार कैसे मनेंगे। इनका जो माफिया नेटवर्क है, कन्वर्जन माफिया इनके पीछे है, ग्लोबलिस्ट माफिया इनके पीछे, बिल गेट्स जैसे, इंदिरा जयसिंह को बिल गेट फाउंडेशन से भी कितना पैसा आता है, फोर्ड फाउंडेशन से कितना आता है, अगर आप उसके ऑफिशियल लिस्ट आपने देखी है, मैंने पूरी दी है, 36 करोड़ आया कुछ एक साल में, ये ऑफिशियल ओवर द टेबल, इसमें अंडर द टेबल नहीं शामिल, हाँ, वो जो उसमें ये शामिल नहीं है जब ये ग्लोबल टूर्स पे जाती है, टूर्स पे जाती हैं, तो अब एक लेक्चर के इनको $50,000 मिलते हैं कि $10,000 मिलते हैं, और 10 लेक्चर करती हैं तो कितने हजारों लाखों रुपया लेके आते हैं, वो कैलकुलेटेड नहीं है। फिर फर्स्ट क्लास एयरफेयर मिलता है, 5 स्टार भी नहीं, 7 स्टार इनकी हॉस्पिटैलिटी होती है। फिर यूएन, ये शी वाज आल्सो यूएन रिपोर्टर, उनके पति भी, तो ये तो दे स्विम इन मनी। अच्छा, इतना पैसा होते हुए भी कहाँ लेके जाएंगे, बच्चे भी नहीं है। अच्छा। और रईस परिवार से है, नहीं गरीब परिवार से, कहाँ लेके जाएंगी, जो हवस खत्म ही नहीं होती। तो जाहिर है मनी इज पावर, किसी का कोई भला आज तक नहीं किया। इनके लॉयर्स कलेक्टिव को कोई भेज के देखिए आप लीगल एड केस जेन्युइन विक्टिम का, दुत्कार के मैंने कोशिश की, कोई सीधे मुंह बात नहीं करता जब कोई जेन्युइन विक्टिम इनके पास पहुंच जाए, क्योंकि उसमें डॉलर्स नहीं मिलते ना, और इंटरेस्ट भी नहीं है ना किसी का, पॉपुलैरिटी नहीं होगी। देखिए, भला करने के लिए आपका हृदय मानव हृदय होना चाहिए। इनका जो दुष्टात्माओं का क्या होता है ना, राक्षसी हृदय बन जाता है, तो पावर चाहिए, शोहरत चाहिए, पावर और शोहरत तो हिंदू बैशिंग करके मिलती है, हिंदुओं को कुचल के जो मिलती है, जो काम खुल के इस्लामी या क्रिश्चियन मिशनरी नहीं कर सकते, इनके थ्रू, यहाँ इनके थ्रू कब से करवा रहे, पहले केवल क्रिश्चियन एनजीओस ये इनको अपने फंड और अपने पेरोल पे रखते थे, या क्रिश्चियन संस्थाएं, उसमें मैंने कहा फोर्ड फाउंडेशन की इनका एजेंडा क्लियर है, या बिल गेट्स, ही वॉज, ये वो जो जितने भी, हाँ, ये सब काल सारे वगैरह, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वगैरह के जितने, तो पहले वो करते थे, फिर इस्लामियों ने सीख लिया कि ये पर्याप्त नहीं है कि हम पार्टीज को अपने जेब में रखें वोट बैंक का हवाला देते हुए। ये काम जो ये वेल एडुकेटेड एलीट वर्ग के एनजीओ कर सकते हैं, है ना, वो काम तो कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ लगता है कांग्रेस पार्टी आती है या ओवैसी की पार्टी आती है या डीएमके आती है, तो पार्टी पॉलिटिक्स में कोई किसी को सीरियसली इतना नहीं लेता, क्योंकि वो लगता है ये तो है ही गैंग वॉर कर रहे हैं। पर ये मानव अधिकार का चोगा पहन के,
राक्षसी दुष्ट काम करने हैं। इसमें मैम जैसे एक जो दो टारगेट जिन लोगों को किया गया था स्पेशली, जैसे एक सांजीराम थे और एक दीपक खजूरिया थे जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर थे, इन दोनों जनों को स्पेशली टारगेट करने के पीछे का क्या रीजन था? जी अच्छा, मैं चाहूंगी जब आप ये प्ले करें कृपया सांजीराम और दीपक खजूरिया की फोटो जरूर, बिल्कुल बिल्कुल लगेगी, क्योंकि मैं सच में बहुत प्रभावित होती हूँ इस बात से। अक्सर आप देखेंगे जब भी किसी को पुलिस लेके जाती है ऐसे जघन्य अपराध को लेके, वो मुंह कवर कर लेते हैं और ऐसे जाके नीचे अपना चेहरा नहीं दिखाते। बोथ दीज मैन लुक एट द कैमरा स्ट्रेट इन द आई, ना उन्होंने नजर झुकाई कभी, ना उन्होंने आंख चुराई कभी। इतना आत्मविश्वास कि हम सही हैं, हम पे झूठा केस किया जा रहा है। और इसके दो कारण है, एक तो उनका समाज उठ खड़ा हुआ था उनके लिए, इसका मतलब उन्हें पता था हमारे समाज में हमें कोई दोषी नहीं मानता, इंदिरा जयसिंह मानती रहे, बलकादर मानती रहे, और ये हमें पता है दुष्ट आत्माएं हैं, तो वो डिगे नहीं, टूटे भी नहीं। अच्छा, क्यों इनको टारगेट किया गया? एक तो रसाना गांव जो है, मैंने बोला ना 1500 घर है बस, और उसमें ज्यादातर बहुत गरीब परिवार, कोई बॉम्बे में मिल वर्कर है, कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई किसी शॉप में असिस्टेंट है, अधिकतर लेबर क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, थोड़ी बहुत खेती है, पर पुरुष जो है उस घर के बाहर नौकरी करते हैं किसी न किसी, चाहे बम्बई में या एक जैसे एक बीएसएफ जवान है। एक सांजीराम जो पटवारी के ओहदे तक पहुंचे, पर बहुत निहायत ईमानदार, और ईमानदार ऐसे मतलब एक तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में वैसे पटवारी नहीं होते जो लैंड डील्स करते हैं, पर इसमें भी जो ईमानदारी का प्रूफ क्या है कि बहुत कम पैसे, मैंने तो उनके बैंक अकाउंट तक को खंगाला, आपको बाद के चैप्टर्स में दिखेगा कितने कम पैसे उनके, आपने ऊपर डेली ट्रांजैक्शन डाल रखी है। हाँ जी, स्कूटरी एक गरीब सी जो होती है ना, टू व्हीलर, अगर आज के दिन कोई सरकारी ऑफिसर जो है क्लार्क भी, कोई क्लार्क भी आज टू व्हीलर पे नहीं चलता, गाड़ी होती है, कम से कम मारुति 800 तो होगी होगी, इनके पास वो भी नहीं थे। इनके बच्चे के पास 500 रुपए भी आसानी से नहीं होते थे पॉकेट मनी के, मतलब इतना कम खर्चा दे पा रहे थे, तो कोई अमीर वो भी नहीं थे, पर फिर भी उनकी साख थी क्योंकि बहुत सामाजिक कार्य करते थे, और मंदिर के देखरेख में जो तीन गांव शामिल थे उसमें सांजीराम भी एक प्रमुख भूमिका निभाते थे, और जो रिचुअल्स होते हैं समाज के, बाबा कालीवीर की सेवा जो उनका कुल देवता है, तो इन्फ्लुएंशियल है समाज, उनकी इज्जत करता है, और वो एक उनका ये ज़रूर दोष था कि उन्होंने अपने समाज को ये बताना शुरू कर दिया कि कृपया अपने खेतों को बेचो मत, इस कथुआ प्रांत को हिंदू बहुल्य ही रहने दो, पलायन तो मत करो, पलायन, और कम से कम उनको अपने खेतों में मत, जैसे अब आप देखिए सिरसाना के पास ये एक यूसुफ का परिवार आके सेटल होता, आप देखिए इसके माध्यम से पूरे कथुआ डिस्ट्रिक्ट में कितना घर मचाया गया, कितना टेरर फैलाया गया, एक भी बहुत है, क्योंकि उनका बॉर्डर पार पाकिस्तान से लिंक है, वो टेररिस्ट को शेल्टर देते हैं, ये खड्डों के आसपास ही रहते हैं, तो ये कोई भी समझता है क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में ड्रग स्मगलिंग बहुत है, वेपन स्मगलिंग बहुत है, और टेररिस्ट बहुत स्मगल होते हैं। आपने लिखा भी है कि 2015 की कोई घटना है, वो आतंकवादी मारे फिर सेना ने न्यूट्रलाइज किए थे, मेरे ख्याल से 2000 एक नहीं है, बहुत सारी हैं इसी के आसपास। देखिए एयर बेसिस वहाँ है सांबा डिस्ट्रिक्ट में, और कथुआ में भी बनना था एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी बेस, पर वहाँ बनाने नहीं दिया गया, किसी भी कारण से सबोटाज किया। तो ये अपने समाज को समझाते थे कि आप जमीन मत बेचो, पलायन मत करो, क्योंकि फिर हमारा हाल वही होगा जो कश्मीरी हिंदुओं का हो गया, हमें खदेड़ दिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति इनको जिंदा सांजीराम करते थे।
ये इसमें भी दिया है या अपने, अच्छा इसी किस्म से दीपक खजूरिया स्पेशल पुलिस ऑफिसर ड्रग्स वगैरह काफी पकड़ते थे और क्योंकि यहाँ इसी डिस्ट्रिक्ट से बहुत सी गाय हत्या के लिए स्मगलिंग के लिए रजौरी पुंछ और कश्मीर तक जाती थी, तो जाहिर है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पुराना कानून रवीन पीनल कोड के तहत स्ट्रॉन्ग कानून गौ हत्या के खिलाफ था और वो रद्द तो नहीं हुआ था, हालांकि कोई सरकार उसको सीरियसली नहीं लेती थी, पर जहां जहां कर्मठ हिंदू है तो वो थोड़ा सीरियसली ले लेते, कानून तो है, वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करते। दूसरा वो भी हिंदुओं को अपने खेतों के आसपास वायरिंग लगाने को कहते थे, महबूबा मुफ्ती को काफी डर था इस चीज से, इस बात से कि हिंदुओं के खेतों पे खुला हक होना चाहिए भेड़े चराने का, बकरियां चराने का, घोड़े चराने का, और ये बकरवाल भी और गुज्जर भी जो मुस्लिम, ये भैंसे भी चराने भेज देते थे, गैया भी चराने और अपने ये भेड़े भी, और खेतों के खेत हर साल तबाह होते थे, लोग कंगाल होते थे। तो ये एक मुहिम चलाने का प्रयास था कि अपने खेतों के आसपास फिर लगाओ वायरिंग। इसके ऊपर महबूबा मुफ्ती तो इतना, मैं तो उसको अच्छे से जानती हूँ और मैंने अपने कानों से सुना हुआ, वो तो आर्मी बेसिस में भी अगर बाग वायरिंग है, शी वांटेड टू पास अ लॉ ताकि हमारी इनकी बकरवाल और इनकी गाय वाय चली, हाँ गाय वाय ये गाय तो नहीं पाती, भेड़ बकरी, भेड़ बकरी घोड़े कि अब जानवरों को क्या पता कि आर्मी बेस है तो वह इंजर हो जाते हैं, ये तो प्रोवोकेशन है हमारे खिलाफ, ये षड्यंत्र है। कैन यू इमेजिन आर्मी बेस को अपनी प्रोटेक्शन का हक नहीं है, जबकि आर्मी बेस में आसपास इन्होंने रोहिंग्या की बांग्लादेशियों की जहां से टेरर अटैक हुए कई सारे, तो ये दीपक खजूरिया का दोष था कि वो ड्रग्स वगैरह पकड़ते थे और ये सब करते थे जी, और इसीलिए हुआ कि इन दोनों को पकड़ के तोड़ दो तो बाकी सब डिमोरलाइज हो जाएंगे और ये रसाना गांव तो खाली हो जाएगा, हो भी गया था। हाँ। अगर ये भला हो इन दो व्यक्तियों का, एक तो बी एस सलाथिया जी जो बार एसोसिएशन जम्मू हाई कोर्ट की उसके चेयरमैन थे, इन लोगों ने हड़ताल भी कर दी थी इन लोगों के सपोर्ट में, और वो कांग्रेस ही थे, वेटरन कांग्रेस लीडर, उन्होंने अपने अंतिम वर्ष में कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया क्योंकि कांग्रेस ने उनको चुप कराने की कोशिश की इस केस में। हाँ अच्छा, वो बहुत रिस्पेक्टेड थे, बड़े सालों से बार एसोसिएशन हेड करते थे। 10 तारीख को जैसे मेरी मेरे को खटका कहाँ से लगा, चार्जशीट पढ़ के, अप्रैल 10 को जैसे ही चार्जशीट आई, क्योंकि उससे पहले महबूबा का कहर काफी बरस चुका था, 232 लोग अरेस्ट हो चुके थे, 232 232 और बहुत से गाँव में इन्होंने नाइट रेड्स कर करके लोगों को गाँव से हराश करना शुरू कर दिया था बुरी तरह से, तो इसलिए सब सतर्क थे। जैसे ही चार्जशीट आई तो बार एसोसिएशन ने देखा और उनके तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये कर क्या रहे, इतनी उजड़ चार्जशीट है, तो मना किया कि आप मत फाइल कीजिए। प्रोटेस्ट हुई बाकायदा कथुआ कोर्ट में कि ये गलत है चार्जशीट, प्लीज डोंट फाइल इट, और नहीं माने जब तो सलाथिया जी, भला उनका और उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया क्योंकि उन्होंने उसी दिन फिर जम्मू बंद की कॉल दी और पूरा जम्मू बंद भी हुआ, ट्रेडर्स एसोसिएशन, बिजनेस चेंबर्स, बाकी जितने सिविल सोसाइटी हिंदू समाज के, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, ये तो खुद कांग्रेस के थे, तो सारा समाज उठ खड़ा हुआ कि लेट प्रोटेस्ट मार्चेस, सी सेट ऑन धरना। और आप बताइए ये टटपुंजिया जो सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट हैं उनसे पूछते भी नहीं फोन करके कि आप इतने अपसेट क्यों हो, तो कांग्रेस ही थे वो, तो संगी नहीं थे, उसके बावजूद किसी ने उनकी नहीं सुनी, किसी मीडिया पर्सन ने नहीं उनको खंगाला कि कैसे बार एसोसिएशन जम्मू बंद करा रहा है, क्योंकि हिंदू समाज नहीं खड़ा होता टेररिस्ट के खिलाफ, हिंदू समाज रेपिस्ट के साथ नहीं खड़ा होता फिर भी। और दूसरा भला हो चौधरी लाल सिंह का, उसने तो बाकायदा इसको एक मास मूवमेंट के रूप में खड़ा किया, ये चौधरी लाल सिंह जो मंत्री थे जी, फॉरेस्ट्री के मिनिस्टर थे,
और उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई कि ये गलत, क्योंकि ये कथुआ के ही है और वो जानते हैं, अपने समाज को भी जानते हैं, बहुत नेग्लिजिबल क्राइम रेट है वहाँ, लड़कियां नहीं उठाई जाती, डोगरा हिंदू एक काम कर ही नहीं सकते क्योंकि देवी उपासक है। और हिंदुओं की कोई किताब कहती भी नहीं है कि उसकी लड़की उठा लो तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा। अब चौधरी लाल सिंह क्योंकि कथुआ डिस्ट्रिक्ट से ही हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट के बहुत पॉपुलर लीडर हैं, वो कांग्रेस से आए थे या अलग दो तीन पार्टी में जा चुके थे, पर जिस भी पार्टी में रहते थे बिना पार्टी की सहायता के वो आराम से जीतते थे। ये उनकी टक्कर ऐसी रहती थी जिस पार्टी ने उनके साथ थोड़ा भी ऊंच नीच किया वो निकल के खड़े हो जाते थे और जीत जाते थे। तो बहुत स्ट्रांग अपनी कंस्टिट्यूएंसी में उनका स्ट्रांग बेस है कथुआ में विशेषकर। अब उनको तो पता था कि उनका समाज ये काम नहीं करता, तो उन्होंने आवाज उठाई और चाहे सलाथिया सा, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम रेपिस्ट को छोड़ दो, उन्होंने केवल एक ही डिमांड की बार एसोसिएशन ने, सीबीआई अप्रूव करो, ये महबूबा मुफ्ती की पुलिस, क्योंकि ये होम मिनिस्टर भी है, ईमानदार प्रूव नहीं होने देगी। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने हिंदू ऑफिसर्स का भी डीजी बहुत नहीं और उनका खूब इस्तेमाल किया, धिम्मियों की लिखा है आपने उनके बारे में लिखा, हर एक का मैंने ब्यौरा दिया है किसने क्या क्या। इसमें आपने मैम ये भी लिखा है कि जब इस केस की जब जांच शुरू हुई तो उस टाइम पे जम्मू की जो भी पुलिस और ये सब देख रहे थे, उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर वालों को कश्मीर वाली टीम लाई गई और उसमें एक बड़ा एक उरफान वानी नाम का 12 साल तक वो सस्पेंड रहा क्योंकि उसने एक हिंदू लड़की का थाने में रेप किया था और उसके भाई का कत्ल, और लड़की का 6-7 दिन तक रेप किया था और भाई को भी कस्टोडियल डेथ में मारा, कस्टोडियल डेथ, और वो सेडिस्ट किस्म का वैसा व्यक्ति, उसको रीइंस्टेट करके लाती इसका आईओ बना देती है, और इसका आईओ बना देती है, ऐसे व्यक्ति को लाती है जो वाकई ही मानसिक रोगी भी है, केवल जिहादी माइंडेड नहीं है, मानसिक रोगी, जिहाद भी मानसिक रोग है पर उसके साथ में एडिशनल भी उसके कई रोग हैं। खैर, तो अब सवाल ये है चौधरी लाल सिंह क्योंकि उस क्षेत्र के हैं, एमएलए रहे, मिनिस्टर थे फॉरेस्ट्री, और उन पे गाज इसने इसलिए गिराई थी, ये केस सारा उनसे जुड़ा हुआ है कि वो फॉरेस्ट मिनिस्टर के तहत जो जो इलीगल कब्जे करवाए थे महबूबा सरकार ने उससे पहले की, जो कश्मीरी पार्टियों के एनसी हो चाहे गुलाम नबी आज़ाद जब चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने जंगलों में खूब कर कब्जा करवाया अपने मजहबियों से, इलीगल कब्जा, बड़े बड़े फॉरेस्ट इन्होंने कब्जा कर लिए, पूरा एक शहर भी बसाया हुआ बठिंडी नाम से, वो तो वीआईपी शहर है पर बाकी जगह भी लाला के मज़ारें सेट की, फिर उसके आसपास पूरा एक सेटलमेंट बना दिए, बहुत करे थे, उन्होंने खाली करवाना शुरू किया था, तो उनको तो निकलवाना था ही, और इस वजह से भी ये बवाल किया गया कि किस तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वापस लिया जाए, और सबसे बड़ा ज्यादा टारगेट था चौधरी लाल सिंह मिनिस्टर होते हुए भी उस महबूबा सरकार में उठ खड़े हुए सीबीआई प्रोब की मांग देके, और आप मानेंगे वो अपने गाँव से जिस एक कई प्रोटेस्ट की, जब मैं अप्रैल मई में वहाँ थी पहली बार तो मैंने देखा आए दिन उनका ये प्रोग्राम रहता था, आज इस गांव में जाके, आज इस डिस्ट्रिक्ट में, आज उस ज़िले में जाके वो बड़ी बड़ी भारी जनसभाएं कर रहे थे इस केस के बारे में सही जानकारी देने के लिए, और मुहिम उन्होंने ऐसी चलाई, आप मानिए जम्मू बंद होता है हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं, फिर चौधरी लाल सिंह मई महीने में गर्म तपतपाती धूप में अपने गांव से चलते हैं जब, और जम्मू शहर वो काफिला बढ़ के 50,000 बन गया, 500 से शुरू किया उन्होंने अपने गांव से, रास्ते में जुड़ते गए लोग गांव, और ये पूरा मार्च था कि सीबीआई जांच की जाए, सीबीआई जांच बस, क्योंकि लोगों को वहां की पुलिस पे भरोसा नहीं था, नहीं ये साफ ना, वो चार्जशीट वगैरह जो फाइल, चार्जशीट देख के तो किसी का माथा ठनक जाए, मुझे हैरानी है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस का माथा नहीं ठनका, मतलब उरफान वानी वाला जब मैंने पढ़ा आपकी किताब में जब पढ़ रहा था तो मुझे, जैसे मैं बहुत ज्यादा इन सब चीजों में मानता हूं नहीं, न्याय होता इस देश में, मुझे चुटकुला लगता है, आप सोचिए जो रेप कर रहा है, ऐसा था कि उस पहले रिंकू शर्मा, रिंकू नाम था लड़के का मेरे ख्याल से, अगर लड़की का
अच्छा नहीं, लड़के का नाम, हाँ लड़के का, लड़की का तो उसको मार दिया पहले, घर वाले जब प्रोटेस्ट करने आए तो उसकी बहन को डिटेन कर लिया, उस डिटेंशन में 6-7 दिन उसका रेप किया जी। उसके लिए ये डॉग जो है ये सस्पेंड होता है 12 साल के लिए लगभग, जो भी कारण रहे हो, और फिर इसको इतने इंपॉर्टेंट केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी दे दी जाती है। ये महबूबा मुफ्ती यही संस्कार में पली बड़ी है, मैं नहीं जानती थी क्योंकि किसी जमाने में मेरी बहुत अच्छी अच्छे आपकी बातचीत होती थी, आपने लिखा है मित्र रही, मतलब दे यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक, छोड़ो बहुत दुखदाई वो है ये कि मैं मूर्ख थी, पर कम से कम जैसे जैसे इसके नए रूप देखती गई तो आपने चेंज किया ना, रियलाइज हुआ खुलती गई, और ये पहला केस नहीं था, इससे पहले भी कई बातें हो चुकी थी जब हमारा टकराव हुआ था अमरनाथ एजिटेशन को लेके वगैरह वगैरह, इसी में मैम आपने जो तो उसको निकलवाया और लाल सिंह के ऊपर इतना कहर ढाया अभी तक भी। एक तो सिक्योरिटी उसकी हाई सिक्योरिटी है क्योंकि इज अ टारगेट, प्राइम टारगेट ऑफ जिहादीज, उसका घर छिनवाया, उसकी मिनिस्ट्री छिनवाई, फिर वो अलग होके एक स्वाभिमान मंच किस्म से उसने अपनी पार्टी भी शुरू की क्योंकि उसकी बहुत अच्छी पकड़ है, उसके ऊपर सीबीआई रेड, करप्शन चार्जेस एक के बाद एक के बाद, आज वो इतनी दहशत में है आप मानो मुझे रोना आ गया जब मैंने उसको ये किताब भेजनी चाहिए। उसका मैं इंटरव्यू लंबा कर चुकी थी और वो मेरी फॉलो अप वॉल्यूम में छप रहा है, तभी का किया हुआ है, उस वक्त वो शेर की तरह दहाड़ता था। अभी मैंने किताब भिजवाने के लिए उससे एड्रेस मांगा, वो मुझे एड्रेस देने को नहीं राजी हुआ, इतना क्रैकडाउन किया। और फिर मैंने किसी अपने जम्मू के हमारे सहयोगी हैं, वो भी पुलिस महकमे में काम करते हैं, पर्सनल फेवर मैंने कही कि उनके घर शायद आप भिजवाएंगे तो किताब स्वीकार कर ले। वो बोले मैंने अपना कोई भेजा बंदा, वो नहीं कि पार्सल में क्या पता कुछ ड्रग प्लांटेड हो। इतनी दहशत में वो व्यक्ति जिसने मुझे बिना जाने अपने घर में, आई वॉक्ड इन टू, जब शुरू में जब वो मूवमेंट लीड कर रहे थे, मुझे इतने प्यार से नाश्ता खिलाया, मैं बिल्कुल अनजान थी उनके लिए, खूब बातें की, वीडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, खुला था उनका घर, यू नो आई यूज्ड टू लिव इन ओपन लाइफ, कोई भी जा सकता था। अब वो एक किताब लेने की 5 साल में इतना क्रैकडाउन, इतना क्रैकडाउन हो उसको, उस व्यक्ति का मनोबल इतना तोड़ा गया है, आप बताइए। इसका मतलब 370 आपने न्यूटर कर दिया, 35A कर दिया, पर हिंदुओं के ऊपर दहशत कम नहीं हुई, कम नहीं। इसी में मैम जैसा आपने कंस्पिरेसी हैचर जैसा भी महबूबा मुफ्ती के बारे में बताया, दो नाम और थे, एक तो ये दीपिका रजावत, अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, दीपिका थुसू रजावत, थुसू रजावत, थुसू है कश्मीरी हिंदू नाम पंडित, अच्छा, और कहती है कि किसी रजावत नाम के आर्मी ऑफिसर से उसने शादी की थी, कभी किसी ने उस आर्मी ऑफिसर को देखा नहीं है, तो जाहिर है कि शुरू में ही वो चल दिए होंगे, और वो नाउ शी इज सिंगल मदर, और एक शेहला शेहला रशी जेएनयू फेम्ड जो है, ये भगवान। तो इन दोनों का क्या रोल था इसमें, थोड़ा इन पे हम डिटेल में तो जब सेकंड पॉडकास्ट में करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा अगर ब्रीफ में आप बताएं, जैसे दीपिका रजावत का कुछ फंड का था कि कुछ नहीं, पहले सबसे पहले दीपिका रजावत कोई नॉर्मल वकील नहीं है वहां की, शी वाज सस्पेंडेड मेनी इयर्स अगो बाय द बार एसोसिएशन, अच्छा, प्रेसिडेंट सलाथिया ने मुझे बताया था जब मैं उन्हें मिली कि ये इतनी गलत हरकतें करती है और ब्लैकमेल, जैसे ना ये बहुत से, आपको पता है ना ये 498A डोमेस्टिक वायलेंस रेप के केस, झूठे लेके लोगों को ब्लैकमेल करना और एक्सट्रॉशन के काम करना, इस तरह के उसने बड़े कुछ काम किए थे, और कुछ वकीलों के खिलाफ ही इस तरह चल पड़ी थी, तो उससे तो कोई, अगर वो कोर्ट में घुसती थी कोई उससे बात भी नहीं करता, शी वॉज सस्पेंडेड from the membership of the Bar Association, जम्मू कश्मीर का ही जो Bar Association, जम्मू का, जम्मू का, ठीक। इस तरह की उसकी reputation थी, उसे कोई बात भी करना नहीं मंजूर करता। एकाएक महबूबा मुफ्ती picks her up, दो महिलाएं हैं जम्मू से पिक की मोदी वाली, एक तो ये जो बिल्कुल नॉन एंटिटी थी, कोई इसका नाम भी नहीं जानता था, दूसरी अनुराधा भसीन, अनुराधा भसीन, उनके पिता पूरी तरह से
आईएसआई और पाकिस्तान के साथ और इन जिहादियों के साथ इनका बहुत अच्छा रिश्ता रहा था, तो उनकी प्रो पाकिस्तान लाइन वो मैं खुद विटनेस हूँ क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी, और मुझे दंग मैं हो जाती थी जब मैं 2-3 मीटिंग्स पाकिस्तान में भी इंडो पाक फ्रेंडशिप की उन दिनों हुई तो वो भी थे मैं भी थी, मैं दंग रह जाती थी, इतनी आग उगलते थे पाकिस्तान में बैठ के हिंदुस्तान के खिलाफ। ठीक है, जैसे हम फासिस्ट हैं और वो तो बेचारे हमारे अग्रेशन को फेस करें, तो मैं ही वॉज वन रीजन, गौतम नवलखा अनदर रीजन, तपन बोस, ये सारा एक झुंड था प्रो पाकिस्तानी जो इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप फोरम चलाते थे, और इनकी वजह से इनकी बातें सुन सुन के मैंने कहा मुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए एंड आई विथड्रू माय सेल्फ फ्रॉम ऑल इंडो पाक फ्रेंडशिप फोरम्स। इनकी बेटी अब वो तो चले गए और बहुत कॉम्प्रोमाइज जर्नलिज्म उन्होंने की। अब ये तो अनोखी है, मतलब पूरी तरह से देखो, जम्मू की बेटी है तो हिंदू है परिवार से, पंजाबी हिंदू यानी रिफ्यूजी होंगे, तो फिर भी जिस तरह की जहरीली मुहिम इसने चलाई और हीरो बन गई, इससे पहले कोई इसका नाम भी नहीं जानता था दिल्ली में, तो फिर वो इतना स्टार शो, इसकी इंटरव्यूज हो रही है नेशनल टीवी पे हो रही है केवल ये गुनाने की वजह से, और सिग्नेचर कैंपेन कर रही है 1,00,000 सिग्नेचर, अरे इसको 10 सिग्नेचर अनुराधा भसीन को अपने पड़ोस में ना मिले, अपने नाम पे नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे 1,00,000 सिग्नेचर्स इस केस को लेके पहुंचाती है ये, और मतलब दे ऑल वांटेड डेथ पेनल्टी हो जाए बिना ट्रायल के, ये माहौल बना रही है, वो मीडिया लिंचिंग हो भी थी ऐसी। दीपिका रजावत जो है इसका कोई लेन देन नहीं, सडनली शी अपीयर्स कि मैं इस फैमिली को फ्री लीगल एड दूंगी, अच्छा ये अपने आप में कितना झूठा, तो सस्पेंडेड है भी, नहीं नहीं शी कैन, शी सस्पेंडेड फ्रॉम बार एसोसिएशन, शी इज नॉट सस्पेंडेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग, ओके दैट देयर इज अ डिफरेंस, शी कैन स्टिल प्रैक्टिस, बार एसोसिएशन उसको अपना मेंबर नहीं मानता, वो अलग कहानी है। अब मर्डर केस, रेप केस बहुत स्पष्ट है, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, सो स्टेट फाइट करता है, ऐसे बहुत से क्राइम है क्रिमिनल केसेस जो स्टेट फिर फाइट करता है, अगर वो इन्वेस्टिगेट करके तय करते हैं कि इट्स अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। इसका मतलब महबूबा मुफ्ती ने ऑलरेडी पूरी बैटरी ऑफ लॉयर्स लगा रखी थी, इसकी जरूरत क्या थी, इसकी जरूरत एक ही थी जो इंदिरा जयसिंह की, ये उसकी लिटरली ट्रेनी के रूप में आई। इंदिरा जयसिंह की भी क्या जरूरत थी, क्योंकि इंदिरा जयसिंह तो वकील हायर्ड नहीं थी, पर जाहिर है जो इनके फंडर्स हैं उन्होंने कहा लग जाओ शोर मचाने के लिए तुम बेहतर हो, क्योंकि जो स्टेट काउंसिल्स हैं उनकी इतनी सुनवाई नहीं, फेस वैल्यू नहीं, जजेस फेमस नहीं है, तुम लोग जजेस डरते नहीं है, ये तो जजेस से कुछ भी लिखवा लेती हैं। तो दीपिका रजावत का केवल या थुस्सू कहो उसको भुलाना नहीं चाहिए, पति तो बेचारा ग्रस्त होके भाग गया, दीपिका थुस्सू कैसा, हाँ थुस्सू कहना चाहिए, और बहुत नौटंकी करती हैं, राजपूत हूँ, मेरे में ये ब्लड है, मेरे में वो ब्लड है। ये कहती है जी मैं फ्री लीगल एड दे दी, तो मैं वो मुफ्ती कर रही है तू किस लिए, एक ही रोल था इसका, कोर्ट से बाहर आके आंसू बहा के बहुत इमोशनल बयान देना कि आज ये हुआ वो हुआ, या अगर इनका मर्जी का ऑर्डर मिल गया तो विक्ट्री साइन तालिब हुसैन वो गुंडे के साथ, तालिब हुसैन पे एक अलग शो ही करेंगे जो इस पूरा शुरुआत करने वाला ही था और चश्मे करने वाला जो था हार्डन क्रिमिनल, और वो महबूबा का राइट हैंड मैन बनके इस मुहिम को लीड करता, तो आके मीडिया के सामने एक हिंदू लड़की कश्मीरी पंडित फैमिली की आके नौटंकी करती है और आसिफा के केस पर आंसू बहाती है और खूब पैसे बनाए इसने और इंटरनेशनल फेम, इसको वुमन ऑफ द ईयर, मोस्ट करेजियस वुमन फेमिना अवार्ड दे रही है, फ्लान डिमका बिजनेस चेंबर्स ऑफ वुमेन अवार्ड दे रहे हैं, विदेशों में जाके खूब नौटंकी कर रही है, लेक्चर टूर्स पे जाके खूब पैसे बनाए, और एक फिर एनजीओ भी खड़ा कर लिया चाइल्ड राइट्स को लेके। अच्छा चाइल्ड राइट्स से तेरा क्या मतलब,
जिसने मरवाया उस लड़की को उनके लिए उसके तो साथ काम कर तुम काम कर रही है, तो ये तो इसका इतिहास है। और इंदिरा जयसिंह तो प्रोफेशनल है ही हिंदू बैशर, और विदेशी जो उनके आका हैं उनके कहने पर वो माओवादियों के लिए भी खड़ी हो जाती हैं, हर जगह के आतंकवादियों के लिए इंदिरा जयसिंह सदैव तैयार और तत्पर है, जैसे वृंदा ग्रोवर या इनका एक पूरा गैंग है, पूरा कबाल वो जो। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैम, इसमें जैसे एक ये था, जब ये केस चल रहा था तो उस टाइम मीडिया ने कहा कि बलात्कारियों का समर्थन तिरंगा झंडा लेके किया जा रहा है, ये आया था, आपने देखा होगा इसको, बहुत दुख। तो ये आप सोच नहीं सकते सलाथिया जी कितनी बुरी तरह टूट गए थे इस बात से। अच्छा, ये बार एसोसिएशन वाले जो लोग थे वकील, यही लोग तिरंगा लेके, यही तिरंगा रैली लगाए थे, और इन्होंने बरखा दत्त ने, निधि राजदान ने, आरती टिक्कू ने, सब ने मिलके सलाथिया जी को प्रो रेपिस्ट और क्या क्या नहीं कह के बार एसोसिएशन को अपमानित किया, और तिरंगा रैली की, तिरंगे का अपमान रेपिस्ट को डिफेंड करने में, आप सोचिए, ही वाज अ ब्रोकन मैन, ही वाज अ ब्रोकन मैन इवन व्हेन आई मेट हिम इन अप्रैल। उसके बाद तो फिर हाँ, और देखिए कितना अन्याय, बार एसोसिएशन क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ से जो बार एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट की, ये वहां भेजी जाती है डेलीगेशन में, अच्छा, इनको धमकाने के लिए। अच्छा, यहाँ से अगर आप गए हो आपका क्या काम बनता है, सुप्रीम कोर्ट भी इनको डांट लगा रहा है कि तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर आप इस तरह चैलेंज करोगे। सीबीआई मांग, हिंदुओं के लिए सीबीआई की मांग भी गुनाह हो गया, जैसे अगर आप दो आयतें कोट कर दें कुरान से, सतन से जुदा, मतलब सच भी नहीं बोल सकते, उन्हीं की अपनी किताब से दो लाइनें नहीं बोल सकते, ये हाल है। और सीबीआई मांग अपने देश में ये नहीं कह सकते कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन बहुत ही फ्रॉड है, कृपया सीबीआई से करवाइए। अब ये जो जाती है डेलीगेशन यहाँ से, कायदे से अगर गए आप, आपका क्या काम था, ढंग से उन्हें सुनो, चार्जशीट देखो, वो मंदिर जाके देखो क्या उसमें कोई रेप होने की संभावना भी है, उसपे भी अलग वो फोटो भी डाली आपने, वो कि भाई मंदिर में लोग बाग जाते रहते थे, वो खुली जगह है, चारों तरफ से खुला है, खुला है, उसमें कोई कैसे लड़की को इतने दिनों तक मतलब छुपा के रख सकता है। दो दो फंक्शन होते हैं, लोहड़ी होती है, लोहड़ी का भंडारा, मकर संक्रांति का भंडारा, ये बहुत सेक्रेट फेस्टिवल्स हैं हिंदुओं के, और विशेषकर उत्तर भारत में लोहड़ी तो आप जानते ही, कीर्तन भी होता है, तीन गाँव के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए छोटी मोटी चाहे वो जाते हैं, और वहाँ छह दिन रखा है, और ये बाबा कालीवीर का देवस्थान, मंदिर डोगरावों में ये बहुत माने हैं, बहुत उनके लिए बाबा कालीवीर का महत्व किसी भी बड़े देवता से ज्यादा लिखा है किताब। हाँ, कुलदेव तो आप जानते हैं, पहले आपका कनेक्शन आपके कुलदेव से, इष्ट देव से। तो ये जो मैं मीडिया ने चलाया कि तिरंगा लेके बलात्कारियों के डिफेंस में उतरे आए हैं हिंदू, वो बेसिकली वकील लोग थे जो कह रहे थे कि आप सीबीआई इंक्वायरी कीजिए, इसमें सब फ्रॉड चल रहा है। फिर जो भी बोला मैंने भी अगर बोला तो मुझे भी प्रो रेपिस्ट कह दिया गया इसका। तो सलाथिया साहब भी, मुझे इस बात का दुख है कि बेचारे ने सारी जिंदगी कांग्रेस की सेवा की, एज अ वेरी डेडिकेटेड कांग्रेस वर्कर, बट ही वाज वेरी रिस्पेक्टेड बाकी पार्टियों में भी, क्योंकि अच्छे नेक आदमी थे, और एक नेक आदमी ही उठ खड़ा होता है इस तरह से, और वो हुए भी, और हुए भी, जम्मू बंद कॉल देना, और वो पूरा जम्मू रिस्पॉन्ड कर रहा है, और ये छोटी बात नहीं ये है। आप ये हमारे जो हमारा दिल्ली का बार एसोसिएशन है हाईकोर्ट का, करा के दिखाया हमें, अपना नहीं कर पा पाएगा, दिल्ली तो क्या एक खान मार्केट ना बंद हो। और आप ये देखिए कि मतलब ये कितना आयरोनिक था कि जब ये सब चल रहा था उस टाइम पे 2018 में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के गठबंधन की सरकार, माथा पीटने को मन करता है। और अगर हम देखें तो कायदे से भाजपा को कहते हैं हिंदुओं की पार्टी है, जम्मू बंद का आह्वान कांग्रेस के नेता की तरफ से आता है। आप अपनी किताब नहीं, नहीं नहीं नहीं, इनके दो मिनिस्टर उसमें लीड कर, उसी पे मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं कि जो लाल सिंह, इन दोनों को रिजाइन करवा दिया गया, लाल सिंह और गंगाराम, गंगाराम गंगाराम
गंगाराम जी मेरे ख्याल से नाम, अगर मैं गलत वो नहीं इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर, तो इन दोनों जनों ने लीड किया जिसके कारण इन दोनों को रिजाइन कराया बहुत ह्यूमिलिएट करके। इनको बीजेपी नहीं बोला होगा रिजाइन करो, बिल्कुल, क्योंकि उसके पीएमओ से आया। और पीएमओ में ये कौन चला रहा था, सीबीआई मांग को कौन क्रश कर रहा था, वो थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में इम्पोर्टेंट हैसियत रखते हैं। और शायद उनकी इम्पोर्टेंस का राज ये भी है कि ये अरुण जेटली जी के शायद बहुत करीबी थे, क्योंकि अरुण जेटली जी का जम्मू से है ना ससुराल। अच्छा, तो उनका बहुत कुछ ऐसा रहता है। अब मैं स्वयं जब आई हूँ कथुआ और जम्मू विजिट करके, बहुत लोगों से इंटरव्यू करके, मैं स्वयं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास गई अपॉइंटमेंट लेके। और तब तक जब भी मुझे मिलते थे, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे मित्र थे, पर बहुत अच्छे से इज्जत से बात करते थे डॉक्टर, जो भी यहाँ दो चार बार मिले छोटा मोटा। तो उस दिन मैं जब इनके घर गई हूँ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करने कि कृपया सीबीआई मांग मान जाइए, बहुत जम्मू में लोगों को गुस्सा भी है और बहुत डिमोरलाइज भी है जिस तरह उन्हें जम्मू के हिंदुओं को डोगराओं को बदनाम किया जा रहा है। इतने अहंकार से ये बात की उनसे, मुझे क्या ये सड़क छाप लो, क्या कर लेंगे, हमारा भाजपा को हरा देंगे, क्या कर लेंगे ये जितेंद्र सिंह कह रहे हैं जी। और ये जो निर्मल सिंह है, ये इनके कुछ रिलेटिव लगते हैं क्या? नहीं, रिलेटिव तो नहीं है, पर डिप्टी सीएम थे उस टाइम पे जब ये कांड हुआ था। निर्मल सिंह के बारे में ये मशहूर है दैट ही वाज द डोरमैट ऑफ मुफ्तीज। और मैंने मुफ्ती साहब को इसकी बहुत प्रेज भी करते हुए स्वयं सुना, वो बड़ा अच्छा है, वो बड़े कोऑपरेटिव है, यानी हमारा डोरमैट अच्छा है ठीक, और बहुत करप्ट भी, बहुत बहुत भद्दा करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर हैं। और इसलिए महबूबा मुफ्ती के सामने मुंह खोलना तो दूर, आंख से आंख मिला के भी नहीं बात करने की हैसियत रखते। और जो ये ऐसे व्यक्ति को हमारा बीजेपी हाई कमांड डिप्टी सीएम बनाता है, जबकि वहां काबिल लोग थे, मसलन पवन गुप्ता जी उधमपुर के एमएलए, और वो थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन है संघ परिवार से, उनके पिता भी जो प्रजा परिषद पार्टी थी जिसने बहुत अत्याचार झेला अब्दुल्ला सरकार का, जब अब्दुल्ला ने आपको याद है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जो किया, उनका मर्डर हुआ, हाउस अरेस्ट करके जो उनको मर्डर किया गया, हाउस अरेस्ट नहीं, जेल में थे, बहुत टॉर्चर किया गया उनको, दवाई तक नहीं दी गई, और मर्डर हुआ है उनका बाकायदा, और इन्वेस्टिगेशन भी नेहरू ने नहीं होने दी। उसी सिलसिले में इनके फादर भी, पवन गुप्ता के फादर भी बहुत अत्याचार झेले, जेल में रहे और मरने के कगार पर पहुंचा दिए गए, क्योंकि उनको देवर स्लो पॉइजनिंग, बड़ी मुश्किल से वो जिंदा लौटे। और वो संघ परिवार का ऐसा डेडिकेटेड परिवार रहा है कि रोज उनके घर, तो जो मैंने लोगों से सुना है 50-100 बीजेपी के वर्कर्स आरएसएस के वर्कर्स खाना खाएं, उनके लिए लंगर हमेशा रहता है डेडिकेटेड। उनकी टिकट कटवाई गई अरुण जेटली जी द्वारा, और उनको फिर वो इंडिपेंडेंट लड़े उधमपुर से और जीते, मोदी वेव में जीते, पढ़े लिखे हैं, सूझबूझ वाले हैं, मेरी अगली किताब में उनकी इंटरव्यू लंबी है। और वो चैलेंज करने में बहुत सक्षम भी थे, माहिर भी थे, कोशिश भी करते थे, और वो उनको केवल डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया ये मुफ्ती सरकार में, डिप्टी, इतना सीनियर व्यक्ति हो उसको डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर, और फाइल भी नहीं देने देता था इनका जो महबूब का भ्रष्ट कॉलीग जो द्राबू फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, जिसको कख नहीं आता था फाइनेंस का, एक जर्नलिस्ट था, उसको पहले जे एन के बैंक का चेयरमैन बनाया, फिर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, मतलब कोई फाइनेंस की उसको अकल नहीं थी और भ्रष्ट टू द कोर, उसके अंडर हमारे पवन जी को, और कितना जानकार व्यक्ति है वो, अगर और एडमिनिस्ट्रेशन की पहचान है, कानून पढ़ने की पहचान है, ऐसे व्यक्ति को अगर डिप्टी सीएम बनाया होता, कायदे से सीएम बनना चाहिए था, कम से कम डेप्टी सीएम होते,
फुल फ्लेजेड फाइनेंस मिनिस्टर होते तो घपले हो नहीं सकते थे। तो आपको क्या? और ये लोग की बजाय निर्मल सिंह, जिनके बारे में कहा जाता है डोरमैट पायदान थे मुफ्ती, उसको बनाते हैं और वो चू भी नहीं करता, हालांकि उसका खुद का समाज त्राही त्राही कर रहा है। उस फैमिली के पास मर्म सजा मतलब सिंपथी व्यक्त तो करना, पूछता भी नहीं है कि जिंदा हो मरे हो तुम्हारे साथ जो घट रहा है, कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति को इन्होंने, और उसके ऊपर बहुत से सीरियस चार्जेस हैं, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और कईयों की तो कई एक्सपोज भी हैं। इंडियन एक्सप्रेस में भी इसके खुलासे बहुत हुए थे इसके भ्रष्टता के, और लैंड जिहाद में भी इनको थोड़ा सा हिस्सा मिल गया ना ये महबूबा ने, हाँ इनको भी लीगल फॉरेस्ट लैंड लेने दिया। तो वो मैं एक बार विधायकों के वो जो नाम वो जो था, एक तो लाल सिंह जी थे, दूसरे चंद्र प्रकाश गंगा, जिनको मैंने गंगाराम कह दिया था गलती से। इस पे मैम अब जैसे हम एक पॉडकास्ट तौर करेंगे, क्योंकि अभी ये किताब आपने बेसिकली चार पार्ट्स में लिखी है, अभी मैंने पहला पार्ट पूरा पढ़ा इसीलिए सारा डिस्कशन हमारा उस पर हो रहा है, जो दूसरा तीसरा और चौथे का हम कंबाइंड करेंगे बहुत जल्दी। मैं बस अंत की तरफ जब हम चल रहे हैं तो दो सवाल है मेरे। एक तो जो ये लड़की थी, इसके असली पेरेंट्स कौन थे, उनसे आपका मिलना हुआ, और जो मीडिया में आए वो असली पेरेंट्स आ भी पाए? देखिए आए दिन कोई नया व्यक्ति आ जाता था असली पेरेंट बन के फादर। उसकी माँ तो बिल्कुल जो असली माँ तथा कथित कौन है सकता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं वो एक ऑर्फन थी जिसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से इसने अपने घर में रखा। तो हो सकता है कि उसके असली माँ बाप दोनों मर चुके हों और एक ऑर्फन को लाके घर की नौकरानी बना के उसको रखा था, क्योंकि वो स्कूल भी नहीं जाती थी, दोनों बेटे स्कूल जाते थे, ये लड़की नहीं जाती थी, ये भी उन्होंने कबूला। ठीक है, क्यों नहीं जाती थी उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैंने पूछा क्यों नहीं इसको भेजते थे, भारत सरकार हमारे लिए कुछ करती नहीं है, ऐसे सरकार आपके दोनों बेटे स्कूल जाते हैं उनके साथ जा सकती थी, और ये भी नहीं कि उनको लड़की को भेजने में डर लगता होगा, जो लड़की अकेले घोड़े चराने भेजा सकती है जंगल में, जो सो-कॉल्ड लोगों ने कहा जंगल में, तो वो लड़की को स्कूल नहीं भेज सकते थे, वो स्कूल नहीं पहुंच सकती थी क्या, और बेटे जा रहे हैं, तो जाहिर है कि एक अनपेड बॉन्डेड लेबर थी उस परिवार की, और असली पेरेंट्स तो पता ही नहीं लगता, किसी को पता नहीं क्योंकि उनका डीएनए भी नहीं किया। और मेरा मानना है कि कम से कम ये 12 साल की थी लड़की, 8 की नहीं थी, जो मैंने एविडेंस इसमें बुक में दिया भी है जी। दूसरा मैम जो लास्ट है कि आपने कहा कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो दो ऑफिसर्स थे उन पे खुद रेप के चार्जेस थे, एक तो वो उरहान वानी जो मेरे ख्याल से क्या नाम उरफान वानी, और जो दूसरा इसमें है, अब जैसे मैम ये सब चला ये हुआ जो भी ये तालिब हुसैन जिसने सारी मुहिम चलाई, मल्टीपल रेप्स हैं, और जेएनयू में भी आके कितनी लड़कियों का रेप किया। एक तो अरे एक चिट्ठी है मैं जल्दी पढ़ के सुनाऊंगी मानुषी के व्यूअर्स को। तो जो इसमें सवाल था मेरा कि क्या सही में उस लड़की का रेप हुआ? अपनी सिस्टर इन लॉ का भी रेप किया, वो भी केस है, पत्नी को इतना पीटता मारता था, इतने पैसे उसकी सारी ज्वेलरी छीन ली, और पत्नी को दो बच्चों के समेत अबैंडन कर दिया क्योंकि उसके दो बेटियां पैदा की बेटे ने, और वो ही ससुराल ने इसको पढ़ाया लिखाया, ये गरीब परिवार से था कि मैं वकील बनूंगा, वकील भी नहीं था, वो भी झूठ है, he never completed his law degree, पर ये मेहरबानी इंदिरा जयसिंह की बरखादत की इसको ह्यूमन राइट्स लॉयर तालिब हुसैन लॉ डिग्री नहीं है, फेल होता रहा, फर्स्ट ईयर में उसका हो गया, फेल होता रहा, फिर उसके बाद सस्पेंड हो गया, रस्टिकेट हो गया जम्मू यूनिवर्सिटी से, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट इतने किए, एक को नियरली कत्ल करने की नौबत इसकी आ गई थी, इतना इसने पीटा था किसी हिंदू बच्चे को संस्कृत डिपार्टमेंट के, तो रस्टिकेटेड था, तो लॉ डिग्री कभी कंप्लीट नहीं हुई, फिर भी ह्यूमन राइट्स लॉयर। तो जो हम इसका इस बुक का सेकंड पॉडकास्ट करेंगे उसकी शुरुआत के लिए मैं इस पॉडकास्ट का जो एंड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप बस वन वर्ड में ही बताइएगा, जो मेरा सवाल है कि वाज द गर्ल फ्रॉम कठुआ रेप्ड, यस और नो? नो नॉट एट ऑल, और ये मधुकिश्वर नहीं कह रही, ये पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट सपोर्ट नहीं करती रेप का चार्ज, फोरेंसिक रिपोर्ट जो है
जो विजाइनल स्मेयर से ली जाती है, इतने कैपिटल वर्ड्स में लिखा है नो स्पर्म फाउंड डिटेक्टेड. जब स्पर्म नहीं है तो इसका मतलब रेप ही नहीं हुआ, गैंग रेप तो बहुत दूर की बात है. उस पर डिटेल में अगले हम इस पे अगले वाले पॉडकास्ट को यहीं से शुरू करेंगे. तो मैम आपने हमें टाइम दिया उसके लिए थैंक यू. तो मैं क्या बोलूँगा, आपने एक किताब जो लिखी उसके लिए मैं थैंक यू आपको जरूर बोलूँगा. और हम जैसे सुनते भी हैं कि हिस्ट्री की बुक्स में बहुत डिस्टॉर्शन है, फिर एक तरफ कहा जाता है कि ऑलरेडी बहुत सारा कुछ लिखा जा चुका है, बस उसको लागू करना जरूरी है. या हम सबके दिमाग में कभी आ नहीं पाता कि करंट जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं उन पर भी रिसर्च की जानी चाहिए और की जा सकती है. और ये किताब पढ़ने के बाद तो पता लगता है कि रिसर्च होती क्या है जर्नलिज्म के फील्ड में कंटेम्प्रेरी इशूज़ पे. तो आप सब इस किताब को जरूर खरीद के पढ़ें. किताब का लिंक जो है जहाँ से आप खरीद सकते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा. और अभी तक ये हमारा 5वां पॉडकास्ट है, 5 लोग वो आए हैं जिनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं और किताबें अच्छी हैं, ये मेरी गारंटी है, तभी मैं पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ. और आप सब इसको पढ़ें और इसको जितना फैला सकें, और आप भी सीखें कि हम किस खतरे से लड़ रहे हैं और उससे लड़ने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं. जय श्री.